मंझौलिया पुलिस ने 7 ग्राम स्प्रिट मामले में मंझरिया शेख से एक स्प्रिट कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसकी जानकारी इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि थाना कांड संख्या 471/21 के नामजद अभियुक्त अजीज आलम उर्फ अजीत मियां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। छापेमारी के दौरान पारसा राय टोला से 5 लीटर देशी चलाई शराब के साथ रविन्द्र महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लगातार चल रहा है, इसी के क्रम में मझौलिया थाना कांड संख्या 471/2021 दिनांक 4/9/2021 30A बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत कांड दर्ज हुआ था, जिसमें 7 ड्राम स्प्रिट पकड़ा गया था। इसके प्राथमिकी अभियुक्त अजीज आलम पिता बच्चू मियाँ को अवर शेख से गिरफ्तार किया गया है तथा इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साथ ही छापामारी के क्रम में रविंदर महतो पिता गोपाल महतो साकिम परसा राय टोला वार्ड नंबर 8 को 5 लीटर दारू की चुलाई दारू के साथ पकड़ा गया है तथा इनके द्वारा बताया गया कि मैं फलना आदमी के लिए काम कर रहा हूँ, व्यक्ति का नाम बताया जिसका के लिए काम कर रहा हूँ, उनके विरुद्ध तथा एक अन्य के विरुद्ध भी FIR दर्ज किया गया है। इन्हें भी न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाता है। आनंद भारत के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना नल जल के योजना में वार्ड सचिव द्वारा रुपया लेकर कार्य को धरातल पर नहीं पहुंचाने के मामले में प्राथमिकी अभियुक्त वार्ड सचिव मनोज दास को कहुवरवा पंचायत से गिरफ्तार कर सोमवार के दिन जेल भेज दिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया है कि बहुवरवा के वार्ड नंबर 9 के वार्ड सदस्य मोहम्मद जहरुद्दीन के शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई करते हुए वार्ड सचिव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस संदर्भ में जाता है कि वार्ड सचिव मनोज दास द्वारा नलजल का कार्य कराने हेतु वार्ड सदस्य मोहम्मद जरुद्दीन से लगभग 3.5 लाख लेकर कार्य नहीं किया गया है। यह मामला का खुलासा तब हुआ जब नलजल योजना का जांच करने प्रखंड स्तरीय टीम बहुअरवा पंचायत पहुंची। आनंद फानंद में कई पंचायती का दौर चला पर वार्ड सचिव मनोज दास द्वारा न ही नलजल के कार्य को किया गया, न ही 3.5 लाख की राशि लौटाई गई। बता दें कि बहुअरवा पंचायत के वार्ड सदस्य वार्ड 9 के रहने वाले हैं, जबकि आरोपित वार्ड नंबर 12 का वार्ड सचिव की गिरफ्तारी को लेकर प्रखंड क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। 136/21 दिनांक 4/3/21 धारा 420 406 409 34 भादवी के अंदर कांड दर्ज किया गया था, जिसके जो नल जल योजना से संबंधित है मुख्यमंत्री 7 निश्चय के अंतर्गत कार्य हो रहा था, जिसमें अनियमितता होने के कारण इन लोगों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया था, जिसमें वार्ड सचिव को मनोज दास पिता झूलन दास को साकिम बहुअरवा से गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध नल जल योजना में घोटाला करने का आरोप। कौन से वार्ड के सचिव हैं? वार्ड नंबर 12। आनंद भारत के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। मंझौलिया पश्चिमी चंपारण से। मंझौरिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के खुटिया इंदू से एक बाइक चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा एक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जानकारी इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि थाना कांड संख्या 541/21 धारा 462/480/411/413/457 के प्राथमिकी अभियुक्त लालू नगर बेतिया निवासी मुन्ना चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है तथा इनके सहयोगी पप्पू महतो के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। क्या मामला सर? विगत रात्रि बाइक चोरों के विरुद्ध छापामारी चल रहा था, इसी क्रम में मुन्ना चौधरी पिता यदुनाथ चौधरी साकिम लालू नगर थाना पूर्वी कर गई हैं जिला बेतिया को बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है तथा इनके एक अन्य साथी पप्पू महतो पिता शिव महतो लालू नगर गई हैं। पप्पू महतो पिता शिव महतो जो घटनास्थल से कीचड़ उचड़ होने के कारण अंधेरा का लाभ लेकर भाग गए हैं, जिनके विरुद्ध भी छापामारी जारी है। इनके द्वारा 3-4 बाइक चोरी करने का कंफर्मेशन बताया गया है, उसके खोजबीन जारी है, गाड़ी को बरामद किया। कहाँ से गिरफ्तार हुई है सर बाइक? इंदू कुटिया से गिरफ्तार किया गया है। आनंद भारत के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। मंझौलिया पश्चिम चंपारण से।
मंझौलिया प्रखंड क्षेत्र के नानो सती चौक जौकटिया चौक बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग NH 727 पर भारत बंद का नहीं दिखा कोई भी असर। भारत बंद मंझौलिया प्रखंड के किसी भी क्षेत्र में नहीं रहा, जबकि पूरे बिहार व भारत में विपत्तियों ने भारत बंद का किसान यूनियनों के साथ किया था। बता दें कि किसानों की कमर तो बाढ़ के कारण धान की फसल नष्ट तो हो गए लेकिन गन्ने की फसल भी नष्ट हो गई है। क्षेत्र में किसानों का कोई यूनियन सक्रिय नहीं होने के चलते इस बंद पर कोई असर नहीं चला। 727 पर आया हूँ जो यहाँ भारत बंद का कोई असर नहीं है। जो पटना जाने वाली बस जा रही है यहाँ यातायात की पूरी सब सुविधा है, सारे लोग जा रहे हैं। कैमरा मैन बस के तौर पर ये बस भी जा रही है। यहाँ भारत बंद का कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर पूरा खुला हुआ है। भारत बंद का कोई असर नहीं है। ऑनलाइन भारत से मंझौलिया संवाददाता मनीष कुमार। ऑनलाइन भारत के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट मंझौलिया पश्चिम चंपारण से। बेलदौर में अपराधी हुए बेलगाम। हुयामा में डबल मर्डर कर आराम से निकल गए, पुलिस को भनक तक नहीं लगी। बेलदौर थाना क्षेत्र के रुहियामा गांव में सोमवार रात्रि लगभग 9 बजे दो लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। डबल मर्डर होने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों की माने तो बेलदौर थाना क्षेत्र में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, जो पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। थाना क्षेत्र में लगातार छीना झपटी, मारपीट और हत्याएं हो रही है। 4 दिन पहले भी ददरोजा में सरेआम एक व्यक्ति का मर्डर कर अपराधी भागने में सफल रहा था। बेलदौर पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। सोमवार को भी बेलदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरी पंचायत के रुहियामा गांव निवासी कृष्ण देव चौधरी एवं रिटायर्ड होमगार्ड के जवान हरि बोल यादव को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। बेलदौर पुलिस को तनिक भी भनक नहीं लगी। पगड़िया SP अमितेश कुमार ने हमारे संवाददाता सुमलेश कुमार यादव को बताया कि दोनों मृतक अपराधी प्रवक्ति के थे, जिस पर बेलदौर थाने में अलग अलग मामले में हत्या लूट डकैती का तीन तीन मामले के नामजद अभियुक्त बताया जा रहा है। वही घटना के बाद से घटनास्थल पर पुलिस कैंप कर रही है। बताया जा रहा है कि रविवार की रात्रि को शनिदेव चौधरी उर्फ चर चौधरी के दरवाजे पर मृतक हरि बोल यादव, किशन देव चौधरी, टोलन चौधरी बैठकर आपस में चुनाव संबंधित बात कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बिजली गुम हो गई और दो गोली चली, जिसमें एक गोली हरि बोल यादव और दूसरी गोली किशन देव चौधरी के सीने में जाकर लगी। वहीं गोली लगते ही हरि बोल यादव शरी देव चौधरी के दरवाजे पर गिर गया, जिसे घायल अवस्था में ग्रामीणों ने आनन फानन में उसे बेलदौर HC लाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए खगड़िया रेफर कर दिया। वहीं खगड़िया ले जाने के दौरान रास्ते में ही हरि बोल यादव की मौत हो गई। वहीं किशन देव चौधरी करीब 500 फुट दूरी पर भागते हुए रमेश पासवान के आंगन में गिर गए और अभी देर बाद उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शक के आधार पर रुहियामा गांव के पप्पू पासवान को हिरासत में लेकर पूछताछ कर ली है। वहीं संबंध में थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया भेज दिया गया है। वहीं खगड़िया SP अमितेश कुमार इस मामले पर साफ साफ कुछ भी बताने से बच रहे हैं और बोली कि पुलिस सभी बंधुओं पर ध्यान रखते हुए जांच कर रही है। सुनिए खगड़िया SP अमितेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। जल्दी निकाल 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 कैमरा निकाल। बीती रात दो लोगों की हत्या रोहियामा गांव बेलदौर थाना अंतर्गत दो लोग जिनका नाम हरबोल यादव और किशन देव चौधरी बताई जा रही है, दोनों की हत्या हुई है। बेहद संदेहास्पद स्थिति में जो है घटना को अंजाम दिया गया है। अभी पुलिस हर मामले की छानबीन कर रही है। प्राथमिक तौर पे बातें सामने आई हैं कि दोनों ही जो मृतक हैं दोनों का आपराधिक इतिहास था। हत्या से और डकैती से रिलेटेड जो अपराध हैं उनमें भी ये लोग जेल गए थे और जेल में मुक्त थे। कई में जो है विचारण पूर्ण नहीं हुआ था अभी तक कोर्ट में। और दोनों की पुरानी रंजिश बताई जा रही है आपसी वर्चस्व को लेकर के। हालांकि कोई ज़मीन विवाद से संबंधित कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस हर तरह के बातों पर विचार करते हुए जांच को आगे बढ़ा रही है। अभी जांच में हम लोग और इसमें जो है उद्भेदन होगा था। सर फिलहाल ये एक दूसरे को गोली मार के हत्या किया है या इसमें किसी और की संलिप्तता है? अभी हम लोग हर संभावित स्थिति को जो है लेकर के चल रहे हैं। तो अभी ये पुष्टि कह पाना कि एक दूसरे को गोली मारी गई है या अन्य किसी तरह से जो घटना को अंजाम दिया गया है ये कह पाना अभी संभव नहीं है। सब बातों की जांच चल रही है। सर चुनावी रंजिश माना जाए क्या? एक जो मृतक है उनकी जो पतोह हैं उनका ये बताया जा रहा है कि पंचायत समिति सदस्य जो है। ऑनलाइन भारत के लिए सुमलेश कुमार यादव की रिपोर्ट।